ये तो साथ आएंगे, ये तो मम्मा के साथ स्टिच हुए हुए हैं जी गाइस। तो हम जा पता है एक बार ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में गए थे, उन्हें उधर एक ये पुराने शहर से नए शहर। कुछ नई चीजों नई बातों के साथ मैं हो गई हूँ हाजिर। ये देखें जी मैं ना भी बैठी हुई हूँ, रैल का स्टडी टाइम चल रहा है। हम दास आप लो मुँह इधर को करके लो, चलो आप लो सलाम जी जी। हाँ जी गाइज गुड देखने गिनवाने लगी है, कितने गुड मिले हमें, ओ थ्री। और सारिम साहिब आप भी सलाम ले लें, अस्सलाम वालेकुम सारिम का स्पोर्ट। जल्दी से आ जाओ जिनको मैथ मुश्किल लगती है जी, बताओ आ जाओ जल्दी से। टीचर जो सॉल्व करवाती है ना क्लास टेंथ बोर्ड पे, मैम कहती है जो उनके फॉर्मूलाज होते हैं किस तरह उनका तरीका, मैम कहती है लर्न कर लो सब। मैम को कहा मैम मैं लिख लेता हूँ, मैम ने सबको कहा, मैम कहती चलो लिखो सारे बच्चे, मैम सब बच्चों को मार मार के लिखवाया। जिंदगी में पहली दफा लिख के तो सारे बच्चों के ऊपर प्रेशर डाला तुमने? नहीं मैंने लिख के प्रेशर, उन्होंने लिख के प्रेशर डाला नहीं। हाँ जी आइडिया मेरा था कि फॉर्मूला नोट कर लेते हैं इस तरह या। और अब ये रजिस्टर फैलना नहीं है, देखो सारा फॉर्मूला गया। और मैं आपको बताती हूँ कि सुबह से मैंने क्या किया, सुबह से आज मैंने हेल्थ से काम शाम करवाया है खूब, और वेदर आज काफी अच्छा था, ना बहुत ज्यादा सर्दी थी ना बहुत ज्यादा गर्मी थी, धूप थी बाहर लेकिन घर बहुत ठंडे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौसम है। और मैंने फिर आज खाने में सिर्फ बॉयल राइस किए क्योंकि हलीमा आ गया था जी, अच्छा हलीमा आ गया था, सलमान सब हलीम ले आए थे, तो इस तरह की चीज़ों में आज बस सारा दिन गुजर गया। और फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट ही ना किया, मैंने सोचा बच्चे आएंगे उनके साथ ही मिलकर स्टार्ट कर लूँगी, तो अब बच्चे आ गए हैं तो इनके साथ मिलकर मैंने व्लॉग कर लिया है स्टार्ट। तो अब जी हमदा सारी मुरैन का आज टास्क है कि आज ही हमें कोई ना कोई अच्छी बात जरूर बताएंगे, तो वेट करते हैं और देखते हैं। ऑलवेज बी और समथिंग एल्स, तू भी तो रोज यही बता देता है, तो कोई बात नहीं है, खुद आप खुद अपने ब्रेन से बताया करो, आपकी बुक में कहानियों में इतने लेसन होते हैं वहां से कोई अच्छी बात देख लेते हैं। जी गाइस तो हम जा दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। हाँ जी गाइस तो हमदा हाँ जी गाइस तो हमदा जो है ना वो आज की अच्छी बात लेकर आ गई है। चलो अच्छा सलूक करना चाहिए ना गाइस, आपको पता है एक बार ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में गए थे, उन्हें उधर एक कैमल मिला, वो इतना भूखा था, उन्होंने उनसे शिकायत की कि मेरा मालिक मुझे भूखा रखता है, उन्होंने ले लिया और उसकी इतने अच्छे से देखभाल की थी जी। तो हमें जानवरों से अच्छा सलूक करना, और अल्लाह ने हमें अपने फायदे के लिए बनाया। हाँ जी जैसे कि उनसे हम बीमार होते हैं हमें वो मिलता है, हम ठीक हो जाते हैं। हाँ जी जानवरों को अल्लाह ताला ने हमारे फायदे के लिए बनाया है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमदा ने आज की बहुत अच्छी बात बताई है, जबरदस्त हो गया हमदा आपके लिए, तालियां क्लैपिंग म्यूजिक ठीक है हमदा, चलो पढ़ने बैठ जाओ। अब ना सारिम के लिए बड़ा टफ हो गया कंपटीशन, अब सारिम ने इसके लेवल की कोई अच्छी बात टिकाओ के ढूंढ के लेकर आनी है। वेट कर रहे हैं हम, वेट कर रहे हैं सारिम, थोड़ी थोड़ी जलन हो रही है, जलसिन हो रही है उधर बैठे को, चलो कोई बात नहीं, चलो वो देखो है। चलो 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 दिखाओ, वाह ये उरैन ने बनाया बर्ड, जल्दी से दिखा दो। और बहुत फनी चीज है ये क्या है, हैंड है, हैंड ये देख उठ के आया टपोरी, देखा ये मैं आपको बताती हूँ क्यों उठ के आया। अभी ना हुरैन मुझे कह रही थी कि व्लॉग ऑन करो, तो उसे मैंने ऐसे ही कह रही थी कि हुरैन मैं बाद में ऑन कर लूंगी ना, मैं मोबाइल पर कुछ देखने लगी, तो मुझे कह रही थी नहीं नहीं ऑन करो, तो मैंने ऐसी कैमरा ना घुमा के उसकी तरफ कर दिया और मैंने कहा कि व्लॉग ऑन है ये लो बोलो, तो ना हुरैन उठ के आके कहती मैं अभी चेक करती हूँ आपने ऑन किया है कि नहीं, तो फिर मैंने ऑन कर लिया और मैं अपनी बेटी का व्लॉग बनाने लगी और ये फौरन भागा आया वहां से उठ के यहाँ,
टपोरी और देखने के देखूं भला अब वो ऑन है कि नहीं कैमरा, नहीं तो मैं आग लगाऊं माचिस लगाऊं जैसे बंदर लगाता है ना तिल्ली और पूरे जंगल में आग। तो इसने हुरैन को कह रहा था कैमरा ऑन नहीं है और हुरैन ने रोना था और इसने ये सब कुछ करना था। तो ये चीज ये कर रहा है देखे। और लेकिन मम्मी ने तो हुरैन का व्लॉग बनाया है, मम्मी ने तो इधर देख टपोरी हाथ हिला दे टपोरी टपोरी हाथ तो हिलाओ, अब नहीं हिलाएगा अब ऐसे ओ हाथ हिला दो अच्छा हाथ तो हिला दो हाथ हिला दो मैं पकड़ा गया हूँ अब मैंने किसी बच्चे के लिए कैमरा ऑन नहीं करना है, ये मैंने फाइनल फुल टू फटैक बता दिया है बस। मैं ड्रामा देखने लगी हूँ कुछ देखती हूँ। हाँ जी गाइस एक और बात आपको मैंने तो बताई ही नहीं कि हम जा रहे हैं कहाँ, वी आर गोइंग समवेयर गाइस, आप ना बोलना मैं बोल रही हूं जाके शायद वहां पे व्लॉग बना ले फिर हम आपको दिखा देंगे। तो हमारा सडन प्लान हो गया है तो वी आर गोइंग ये हम कहाँ जाएंगे बता, लेकिन वी आर गोइंग टू नानोज होम। ये नानो घर जाने की सबसे ज्यादा खुशी किसे होती है? मुझे आपको भी होती है, फ्रेंड को भी होती है, हाँ और सिस्टर्स के पास जाती हूँ, हुरैन को भी सबसे ज्यादा होती है। हाँ जी तो हम जा रहे हैं वहाँ पे और मेरी सिस्टर आ रही है वहाँ पे तो आउट ऑफ कंट्री से, तो उनसे मिलने जा रहे हैं, वो आई हुई हैं। तो मैंने कहा वो यहाँ आएंगी एक दिन के लिए और हम वहाँ जाके रहेंगे उनके पास ज्यादा दिन, तो मैंने सोचा हमें ही जाना चाहिए, हम चले जाते हैं। तो अब हम वहाँ जाएंगे उनसे मिलेंगे, उनके साथ थोड़े से दिन रह लेंगे, फिर उन्होंने वापस चले जाना है। तो इसलिए तो मैं कोशिश करूंगी कि वहाँ जाऊँ और फिर वहाँ पे भी शायद हम व्लॉग वगैरह कर लें, लेकिन वहाँ पे जाके मैं आपको बता के कम ही व्लॉग करती हूँ क्योंकि वहाँ जाके मैं बहुत मैं सब भूल जाती हूँ मैं बिजी हो जाती हूँ गप्पों में और लाइफ में और इस तरह से ना। तो खैर फिर भी जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था जो हम एयरपोर्ट गए थे व्लॉग और खाना शाना खाने, अगर हम बाहर आउटिंग वगैरह करने गए तो मैं ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है? तो आप लोगों ने हमारे लिए बहुत ज्यादा दुआ भी करनी है कि हम खैरियत से जाएं, खैरियत से वापस आएं, ठीक है जी? और अल्लाह ताला सबको ढेरों ढेर खुशियां दे और किसी के बदले हमें भी दे। और बच्चों को मैं थोड़ा सा एक दो दिन का ऑफ करवाऊंगी स्कूल से, और व्लॉग्स भी हो सकता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन डालूं क्योंकि वहां जाके फिर ज्यादा कंटिन्यूसली बनेगा नहीं व्लॉग, तो डालेंगे भी वैसे ही, लेकिन हम वापस आके फिर उसी तरह से अपनी रूटीन पे वापिस आ जाएंगे। आप लोग भी हमारी फैमिली हैं, आप लोग भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो जब आप हमारी डेली व्लॉगिंग देख रहे हैं, डेली हमारे साथ रह रहे हैं, देखते हैं हम क्या करें, तो अगर हम कहीं जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो वो भी तो हमने आपको ये साथ शेयर करना है अपनी खुशियों के मोमेंट्स। अल्लाह ताला खुशियां ही रखे और हम अच्छी अच्छी खुशियों के मोमेंट्स आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहें, और बस इसी तरह से अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। तो बस मैंने कहा आप लोगों को बताते हैं, और बैग मैंने पैक कर ली है प्रो मैक्स हूँ मैं ना जब जाना होता है ना तब पहले तैयारी स्टार्ट, और ये देखे मैंने प्लगिंग भी इसलिए बढ़ाई हुई है जो लड़की है ना वो रिलेट कर सके कि जब कहीं जाना होता है ना तो हम क्या करती हैं मेकअप था पहले प्लगिंग बढ़ानी शुरू कर देती है कि फिर नीट हो जाएगी। तो वो सारी चीजें भी अभी और क्लीनिंग भी कल मैंने की थी ना तो वो इसी चक्कर में की थी। तो खैर अब प्लगिंग वगैरह करवाऊंगी और इस तरह के अपने पार्लर के काम वैक्सिंग वगैरह करवाएंगे और पॉलर के काम शाम करवा या और बच्चों की तैयारी पैकिंग मैंने कर ली है। तो इतना बस सडन प्लान बना है हमारा और जल्दी जल्दी से ना बैग पैक कर लिए हमने, मजा आने वाला है। उम्मीद करेंगे हम आपके लिए व्लॉग्स डाल सके, यू उम्मीद करेंगे। तो खैर गाइस हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं, और आपको जो मैंने पैकिंग किया ना बैग जो अपने डैडी के, चुप करो ना, हाँ जी, और जो मैंने पैकिंग किया ना जो बैग डैडी के हैं वो भी मैं अभी उठती हूँ ना बाहर जाती हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है? एक भरा और एक छोटा, या एक भरा किया है बच्चों का और एक छोटा किया है मैंने अपना। यस तो मैं उठ के आ गई थी, मैंने कहा आपको बैग भी दिखाती हूँ, हमदा और सारिम को दूध भी डाल के दे दूँ, तो खैर मैंने कहा दिखाऊं ये बैग पैक किया, एक मैंने बच्चों का ही और एक अपना पैक किया। लेकिन मसला पता क्या मुझे पेश आ रहा है कि ना मैंने अपने तो थोड़े से कपड़े रख लिए हैं, अब सर्दी तो है नहीं, पहले जर्सियों पर कोट इतना कुछ मैं लेके गई थी, तो अब मैंने सोचा कि बस अपने पहनने वाले दो तीन दिन तो हमने रहना है वो वाले ले जाऊंगी, लेकिन बच्चों की समझ नहीं आ रही सर्दी दोबारा से आ गई है, अब इनके ना इनर कोट शूट सब समेट दिया मैंने, लेकिन एक एक इनर जो होता है ना पतला वाला वो मैंने रखा हुआ था, अब ये नहीं समझ आ रही कि इनके कोट इनर वगैरह रखूं या ना रखूं, अजीब मौसम भी हुआ है, परेशान हुई पड़ी हूँ मैं तो कि अब मैं करूं क्या, पहले यहाँ पे तीन चार दिन इतनी धूप थी ऐसे लगे गर्मियां आ गई हैं, तो अब जो है फिर से हवा ठंडी चल रही है, तो अजीब सी परेशानी का शिकार हूं मैं।
तो खैर देखती हूँ, डिसाइड करती हूँ कि क्या बनेगा। तो लेट्स सी, मैं सोची थी कि इस दफा सामान कम होगा हमारे पास, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर तो इनके मैंने इनर वगैरह या कुछ स्वेटर रखे तो फिर सामान ज्यादा हो जाना है। खैर अभी बस डिसाइड कर रही हूँ मैं कि इनके कौन से, और शूज भी इनके आज मैंने वॉश करवा के रखवा दी, वो भी मैं गाइस को दिखाऊं। हाँ गंदी चीजें लेकर आई है शॉप से खाने के लिए, क्या मेरी हेल्थ में जबरदस्त लाइट ऑन करते हैं। ये देखूंगी यहाँ पे लाइट इतनी कम क्यों है, लाइट चल रही है लाइट बहुत। ये देखो भाई नैनो के, हमदा के, सारिन के और ये सारिन। खैर अब मैंने ना शूज पहन लिए हैं और मैं लगी हूँ और मैं जा रही हूँ वॉक करने, और तो बस ना वर्कशॉप करते हैं फिर वापस आते हैं, क्यों भी करेंगे आपको दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, आलू चले वॉक करने, दूध वाला आया मुझे लग रहा है ना। शूज देखे आंटी ने कितने पैर मेरी बेटी के साथ हैं, सुला दो बाहर, तो मुझे लग रहा धुंध हुई हुई है, इतनी स्ट्रीट लाइट्स बंद है, अभी अजान हो रही है। चलो आ जाओ फ्रेंड करें, भाई भी आ जाएगा खुद ही डोर बंद कर देगा। A few moments later. हाँ जी गाइस वॉक करके मैं आ गई हूँ वापिस, और इनके हालात आप चेक करें कि मम्मा वॉक करने गई हुई है और ये ड्रामा लगा के बैठे हूँ मेरा मम्मा। और बाहर तक आवाज आ रही है, खैर होए मम्मा का नहीं वेट करना था, आपके लिए खई आ रहे 9 बजे। हाय 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 हाय, मेरे लिए खई आ रहा है, मैं वो देखूंगी, अब रोटी बना लूं। हाँ मैं इनकी रोटी बना लूं, आप राइस खा लेना, सारी मैं आपको रोटी दे देती हूँ ठीक है। दोपहर में इन्होंने हलीम खाया, साथ में खाए हैं बॉयल्ड राइस, तो अब मैं रोटी बनाती हूँ और इनको देती हूँ, जिसने राइस लेना होगा राइस ले लेगा। ओहो बिस्मिल्लाह, ये देखेंगे राइस बॉयल किए हुए हैं और यहाँ पर ये पड़ा हुआ है हलीम। जुहरैन का गर्म हो गया, सॉरी हमदा के राइस गर्म हो गया, हमदा को इसमें थोड़ा सा हम घी भी डाल देंगे, घी बहुत जरूरी है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। चलो जी इसको मिक्स कर लो। हाँ जी, और ये जी हुरैन की रोटी बन रही है, हुरैन भी ये खड़ी, हुरैन कहती मैंने राइस नहीं खाना, थोड़ा फीवर है। ओके हुरैन कह रही मैंने राइस नहीं खाने, रोटी खानी है। भूत ले दिया, भूत ले दिया। हम लोग आ चुके हैं मेडिसिन लेने, देखिए जरा पहले तो ये मुर्गियाँ दिखाओ ना जो गाड़ी में पैक की हुई है बाबा ने, ये देखो जरा अपनी बातों में लगे हैं, और ये देखो जी सलमान साहब गए मेडिसिन लेने, लेजर है। मेडिसिन किसकी लेने गए हैं, मेडिसिन अपनी लेने गए हैं, मैंने पैनाडोल मंगवाई है, सर में बड़ी दर्द हो रही है, तो बस जी पीछे ना जरा हम तो दिखा दो, बस ये सीन पर चल रहा है। और मैं मेरे साथ नहीं, और वो क्या रही है सारी शिशफाक के साथ, और हर खबर पर नजर, और आपको सब दिखाती जाऊंगी मैं, स्टे कनेक्टेड, सही है ना, हर खबर पर ऊपर ना चढ़ नजर। ये देखो जरा तीनों बैठे हैं, इनको सो जाना चाहिए था ना, और मैं और सलमान आते, मगर ये हमें आने नहीं देते ना, किस खुशी में, ये सुबह स्कूल जाते हैं बाबा के साथ, अगर मैं और बाबा आ जाते अब लेने मेडिसिन तो क्या बुरा था, लेकिन नहीं ये तो साथ आएंगे, ये तो मम्मा के साथ स्टिच हुए हुए हैं, सिलाई हुए हुए मेरे साथ, मैं दवाई लेने भी जाऊंगी तो ये मेरे साथ ही जाएंगे। ये देखो जरा, ये देखो जरा, इन्होंने सुबह भी जाना ही है स्कूल, सारा दिन घूमते फिरते हैं। एमा मंकी, यस बेशक बेशक एमा मंकी, यू आर अ मंकी। हम लोग आ गए हैं घर वापस, और आपको दिखाती हूँ आते ही सारी मैंने नया शाइनर लेकर आया, और सारिम ने साथ ही, सारिम देखो कितना इफेक्ट डिफरेंट, दूसरा दिखाओ साथ जूता रख के दिखाओ, आज हम इसकी प्रमोशन करेंगे। देखो जरा ये देखो, हमदा ने डांस शुरू कर दिया। चले ठीक है गाइस, बहुत थक गए अभी, हमें लग रहा लिटा रहे ठीक है, ये वगैरह साफ करेंगे और लेट जाएंगे ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करना आपने हरगिज नहीं भूलना है, अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय 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 करो, बाय बाय।